आप एनडीटीवी के हो, आप एनडीटीवी के हो, और आप लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो। पता नहीं आप यात्रा को दिखाते ही नहीं हो। आपको कहा गया है कि भाई यात्रा को दिखाओ मत, सोशल मीडिया में मतलब बवाल मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, मगर नेशनल मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जाता। और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कहते हो भैया चलो एक डिस्ट्रैक्शन मारते हैं, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, अगला सवाल आएगा पीएम कौन होगा, देख लेना आएगा, पक्का आएगा कि डिस्ट्रैक्ट करना है भैया, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, फिर उसके बाद आएगा सवाल ऑपोजिशन यूनिटी नहीं है, वो भी आएगा। तो आप करिए जो आपको करना है, मुझे भी करना है काम। पुवानी से मनदीप पुनिया, हाँ जी माइक दीजिएगा इनको जल्दी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लगातार कह रहे हैं कि डर का माहौल है, नफरत फैल रही है, डर का माहौल है। आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहां पर सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मानी जाती हैं, उनके घर की बिजली काट दी गई है, वो अंधेरे में रह रही हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक 19 साल के आदिवासी लड़के का छत्तीसगढ़ पुलिस एनकाउंटर करती है, तो डर का माहौल भी आपको दिख रहा है। और क्योंकि इस यात्रा से आप कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी, पत्रकार, वकील, जो 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 भी सेक्शन डरा हुआ है उसके आप दिल की उसकी मन की नफ उसको डर को आप कम करना चाहते हैं, तो सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं वो डर में वहाँ अंधेरे में बैठी हुई हैं, तो वहाँ आपकी सरकार है। बाकी अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही जो छत्तीसगढ़ मेरा क्या वही होगा? नहीं, सबसे पहली बात ये है, देखने की बात है कि ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात ये है, कहाँ रखे हैं आपने? नहीं, कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे, सबसे पहली बात यह है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हत्या करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि जो वहां पे डर का माहौल है उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहाँ पे हम उसको उसके बारे में बोल सकते हैं मैं बोलूँगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं पर्सनली जाके उसको देख के उसमें मेरी जो राय होगी मैं रखूँगा, ठीक है। मगर मेन बात यह है कि जो देश में आज नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा की जा रही है, वो छत्तीसगढ़ सरकार एज अ पॉलिसी नहीं कर रही है। वहाँ पे इश्यूज़ हैं, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ हैं और वहाँ पे हाँ टेंशन है, मगर हमारी पॉलिसी वो नहीं है। धन्यवाद। मसले से सर्वमित्र कंबोज। नमस्कार सर, इधर। सर मैं देख रहा हूँ आप स्पीच में जवान और यात्रा के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनली वहां जाऊंगा और पर्सनली इस बात को समझने की कोशिश करूंगा, अगर वहां पे कोई कमी है तो उसको मैं सुधारूंगा। नमस्कार सर, इधर ही। सर आप हर स्पीच में तकरीबन जवान और किसान की बात करते हैं। हाँ जी। किसान की अगर बात करें तो आपको पता है लंबा आंदोलन हमारे देश में हुआ, हालांकि सरकार ने कानून वापस ले लिए, लेकिन MSP का मुद्दा अभी भी बरकरार है, उसके लिए किसान अभी भी संघर्ष कर रहा है, पंजाब में अभी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है। आपकी सरकार थी तब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी लेकिन आपने लागू नहीं की, क्या अगर आपकी सरकार आ जाती है तो आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे? और जो किसान MSP मांग रहा है क्या वो आप MSP देंगे? देखिए ऐसी ये जो चीज़ें होती हैं
ये ऐसे कैजुअली नहीं कहा जा सकता है, ठीक है कि भैया। सबसे पहले मैं एक कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं, बहुत सारे और हैं। तो अगर हम इस बात को सीरियसली कहना चाहते हैं तो ये डिस्कशन हम अपनी मैनिफेस्टो कमिटीज में करते हैं और उसको सीरियसली असेस करते हैं जी। उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस असेस करते हैं, उसके दूसरे इम्प्लीकेशंस असेस करते हैं और फिर उस पर निर्णय लेते हैं जी। मैं यहां कह सकता हूं हां करेंगे ना करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, जो हमारे मैनिफेस्टो में आएगा वो हमारा डिसीजन होगा और वो गारंटी करके हम करेंगे। जैसे हमने न्याय योजना के बारे में कहा था, हमने अलग अलग स्टेट्स में कर्जा माफी की बात की थी, जब हमारे मैनिफेस्टो में आ जाता है वो होगा ही होगा, ठीक है। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है, फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली मारा जा रहा है, बीमा का वो पैसा देता है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसको पैसा नहीं मिलता, उसको डायरेक्टली खाद की प्राइसेस से मारा जा रहा है। तो हम एक बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी प्रोडक्शन करता है, जो हमें भोजन देता है, उस पर आक्रमण हो रहा है। वो जो तीन किसान की काले कानून थे वो कानून नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। जैसे डिमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, वो पॉलिसीज नहीं है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और एक और बात, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी उनको मारने का, उनसे चोरी करने का एक तरीका है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसान पर आक्रमण हो रहा है। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूंगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी वो आक्रमण बंद होगा, किसान की रक्षा होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी। और अगर हम अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम किसानों की भी मदद कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूं। एमएसपी बहुत जरूरी मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, इंटरनल डिस्कशन करेंगे और उस पर हम निर्णय लेंगे। मगर मैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीजों के बारे में फ्लिपेंटली नहीं बोल सकता। मैं सीरियस आदमी हूं, मैं अगर मेरे मुंह से कुछ निकलता है तो क्रेडिबली निकलना चाहिए, सच्चाई निकलना चाहिए। नहीं सप्लीमेंट्री नहीं, नहीं एक सेकंड, जवान की बात करता हूं। जवान बेरोजगारी की बात बहुत ज्यादा, जिस स्टेट में आप बैठे हैं आंकड़ों के हिसाब से टॉप पर है। सप्लीमेंट्री प्लीज, टॉप पर। नो सप्लीमेंट्री नहीं, एक जवान के बारे में मैं आपको बताता हूं। आप आपके एक बस एक सेकंड सर, आप कहते हैं कि कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई मेडिकल करता, आईएएस करना चाहते हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है, यानी कि उनको पता नहीं कितनी जॉब्स हैं। तो आपके पास क्या ऐसा रोड मैप है? हमारे देश में हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं सरकारी और प्राइवेट नौकरी में, ऐसा कौन सा रोड मैप होगा कि हम उनको सेट कर पाएं? देखिए, ये देश अपने युवाओं से झूठ बोल रहा है, ठीक है। झूठ क्या है? मैं अब 3,000 किलोमीटर चला हूं, युवाओं से मैं पूछता हूं, बच्चों से पूछता हूं, क्या करना चाहते हो? 5 जवाब मिलते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और सारे के सारे, मतलब हजारों बच्चों ने मुझे ये 5 जवाब दिए हैं। रियलिटी ये है कि इनमें से 10% को, 15% को, ज्यादा से ज्यादा 10% भी मुश्किल है, 10% को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये जॉब्स मिल जाएंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। तो इन सबके सपने टूटेंगे। मेरे पास एक बच्ची आई, कहती है मैं आईएएस में जाना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है बेटा, आईएएस में हर साल कितने लोग जाते हैं? मुझे कहती है 5 लाख लोग जाते हैं। मैंने उसको कहा नहीं बेटा, 5 लाख लोग नहीं जाते हैं, 150 लोग जाते हैं। रोने लग गई। तो ये झूठ, ये देश अपने बच्चों से, अपने भविष्य से झूठ बोल रहा है और ये इनका दिल तोड़ेगा। हर रोज इनका दिल टूटता है, इनके सपने टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि जो रोजगार, जो लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं,
उनकी हम मदद नहीं करते हैं, उनकी हम प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं सोचते। रोजगार कहां से आएगा? रोजगार अगर आप सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन करोगे, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करोगे, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के जाल बिछाओगे, रोजगार वहां से आएगा। करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है और रिस्पेक्टेबल रोजगार मिल सकता है। दूसरी बात, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, और कोई शब्द ही नहीं है, डिस्ट्रॉय किया गया है, GST, डीमोनेटाइजेशन और कोविड के समय जो किया, वो दूसरे लोग हैं जो रोजगार दे सकते हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे वो नाम बता दीजिए जो छोटी कंपनी चलाता हो, स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री चलाता हो, जो आज लाखों करोड़ का मालिक हो गया है, नाम बता दो मुझे। आप ये होंडा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था, ये टोयोटा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था। आप मुझे मैकेनिक का नाम दे दो जो इस देश में बड़ा उद्योगपति बन गया है, बताओ, नहीं है। तो जो रोजगार दे सकते हैं, जो सपने पूरे कर सकते हैं, उनको उनकी हत्या हो रही है। तो रोड मैप क्या है? रोड मैप ये है कि जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बेस है हिंदुस्तान की, उसको प्रोटेक्ट करा जाए, उनको फाइनेंस दिया जाए, और ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, इनको टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफॉर्म करके इनमें से 5-10% को बड़े बिजनेसेस बना जाए। ये दूसरा रोड मैप है। तीसरा रोड मैप है कि हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है, ये सिर्फ 5 चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब 5 रास्ते दिखा रहा है। इस देश में लाखों रास्ते हैं। जिस दिन ये देश स्किल्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर जाए, उस दिन ये देश सच्चा सुपर पावर बन जाएगा। उस दिन तक ये सब खोखला है। इस देश में स्किल्स जो होती हैं, चाहे वो बढ़ई की हो, चाहे वो मैकेनिक की हो, किसी की भी हो, चाहे वो किसान की हो, उसको उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, उसका मजाक उड़ाते हैं, देखो ये क्या कर रहा है। जिस दिन वो हो जाएगा, उस दिन ये देश चाइना का मुकाबला कर जाएगा और यहां पे मेड इन इंडिया सब जगह दिखना शुरू हो जाएगा। वो रोड मैप है। सकते हैं, ये कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी का नहीं है, RSS का नहीं है, राहुल जी समय की पाबंदी भी हाँ, है। नहीं, मगर मैंने पहले कहा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपने मुझे पूछा कि राहुल गांधी में कोई बदलाव आया। एक बात मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है कि ये जो लड़ाई है, ये एक्चुअली राजनीतिक लड़ाई नहीं है। सुपरफिशियली ये राजनीतिक लड़ाई है। जब हम BSP से लड़ते हैं या TRS से हमारा चुनाव होता है, तो वो राजनीतिक लड़ाई होती है। मगर अब देश में एक चेंज आ गया है। जब से RSS ने इस देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पकड़ा है, उस दिन से ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही। इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है। उसको आप विचारधारा की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप धर्म की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप कोई भी फ्रेमवर्क दे सकते हैं, मगर वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अगर आप हिस्ट्री देखें, जो आपने कहा कार्यकर्ता में जोश आ गया है, यह तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप
तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा दो तरीके की होती है, धन की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है, आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पांस एक ही हो सकता है, उसका रिस्पांस तपस्या ही हो सकता है और कोई रिस्पांस नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये जो यात्रा है ये बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी तपस्या नहीं कर रही है, सिर्फ एक व्यक्ति तपस्या नहीं कर रहा है, इसमें लाखों लोग तपस्या कर रहे हैं। और इस यात्रा का मैसेज यही है कि जो मैंने अभी आपको बोला, जो आपने रोड मैप की बात पूछी, कि इस देश में तपस्या की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, हिस्टोरिकली ये कहा है, और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। अब आप इस फ्रेमवर्क से नोटबंदी को देखिए, क्या नोटबंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की? बिल्कुल नहीं। वो तपस्या पर आक्रमण था, उसका मैसेज था किसान, किसान से, छोटे मजदूर से, छोटे व्यापारी से, भैया तू जितनी तपस्या करनी है तू कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जला देंगे। और बीजेपी आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है, धन का प्रयोग करके, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके, लोगों को डरा के, आप लोगों को डरा के। वो आपसे कह रहे हैं भैया तपस्या मत करो, आपसे कह रहे हैं आपकी जो तपस्या है, जो सच्चाई मतलब आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे डालनी है, वो मत करो, मार देंगे, हमारी पूजा करो। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की झलक दिख जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है, और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी, और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि ये तपस्या का संगठन है, वो पूजा का संगठन है, उनका वो काम है, हमारा ये काम है। आपने शिवजी की फोटो देखी होगी, ये आपने देखा है, ये सिंबल देखा है आपने, शिवजी की फोटो में देखा है, इसका मतलब क्या है कोई बता सकता है? आप कहेंगे आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं है, ये अभय मुद्रा है, डरो मत, ये तपस्या का सिग्नल है, अपना काम करो, तपस्या करो, डरो मत। इसीलिए तो कांग्रेस का ये सिंबल है। नहीं आप हंस रहे हो, मैंने रिसर्च किया है, ये सिंबल कहां से आया, कैसे आया, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, आपने गुरु नानक की फोटो देखी है, उसमें भी आपने देखा होगा, देखिए ना, बुद्धा की फोटो देखी है, उसमें भी अभय मुद्रा, महावीर जी की फोटो देखी है, उसमें भी अभय मुद्रा। तो तपस्या डर में बहुत बड़ा गहरा लिंक है, और ये चाहते हैं, और ये इन्होंने पहले भी किया था। फ्रीडम की जो लड़ाई थी, आजादी की जो लड़ाई थी, वो तपस्या की लड़ाई थी, और इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों से पूजा करवाई थी। तो हिस्ट्री है ये, उसको मिटाया नहीं जा सकता, रिपीट हो रही है। आपकी टी शर्ट बहुत चर्चाओं में है, और खास तौर से मुझे आप लोगों ने डांट भी पड़वा दी, और ये डांट पड़वा दी आपने मुझे,
टी शर्ट कर करके मामा ने डांट मार दी मुझे कि तुम कैसे घूम रहे हो। राहुल जी, सवाल मेरा यह है कि ये यात्रा जो है राहुल गांधी की इमेज बदलने में कितनी कामयाब रही है? चर्चा ये भी है राहुल गांधी की इमेज बदली है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं मेरे माइंड में, है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिवजी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे अपना काम करना है। हरियाणा का मैं आपको बता देता हूँ, और सिर्फ हरियाणा का नहीं, नॉर्दर्न बेल्ट में एक्चुअली काफ़ी हैरान हुआ कि आप लोगों ने कहा था कि नॉर्दर्न बेल्ट में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, नॉर्दर्न बेल्ट में सदर्न बेल्ट से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। यूपी में आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा में ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पॉजिटिव ही होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी विदाउट डाउट, मगर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंकली मैं आपको बताऊँ, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या हरियाणा की बात हो, मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि कांग्रेस पार्टी की कैसी सरकार आएगी, और मैं उस बात को गारंटी करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आए, मध्य प्रदेश में आए, तो वो किसानों की सरकार हो, रिस्पेक्ट की सरकार हो, सब लोगों को सुनने की सरकार हो, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि आप सवाल को गलत जगह रोक देते हो, सरकार किसकी आएगी, नहीं सरकार आने के बाद वो सरकार पांच साल क्या करेगी, उसमें इंटरेस्ट है मुझे। आपने कहा कि अब लड़ाई तपस्या की है, राजनीतिक नहीं, तो क्या अब आप तपस्वी हो गए हैं? नहीं, मैं तपस्वी था, आप भी तपस्वी हैं, ये देश तपस्वियों का देश है। जैसे लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी कितने किलोमीटर चल गया, लोग ये क्यों नहीं कहते कि देखो किसान कितने किलोमीटर चलता है। हिंदुस्तान का कोई भी किसान नहीं है जो मुझसे ज्यादा नहीं चला है, एक नहीं है हिंदुस्तान का ऐसा, आप एक मजदूर नहीं मिलेगा आपको जो मुझसे कम चला है। हम ये क्यों नहीं कहते देखो देखो मजदूर कितने किलोमीटर चला है, क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है, और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है, रियलिटी इस देश की ये है। और अगर जैसे मैंने कहा इस देश को सुपर पावर बनना है जो आप कहते रहते हो, तो तपस्वी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उत्पादक की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उससे गले मिलना पड़ेगा, बैंक के दरवाजे उसके लिए खोलने पड़ेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी।